मुझे अजीत डोवल की वो स्पीच याद आ रही है, उन्होंने कहा कि जो मर्सनरीज हैं उनको पैसे दिए जाते हैं, हम ट्रिपल अमाउंट देके पाकिस्तान पे हमने गियर शिफ्ट कर दिया है और पाकिस्तान के ऊपर अब जो कुछ हो रहा है वो हम करवा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो देवबंद हैं, खासतौर पे उन्होंने इनके साथ रिलेट करते हुए बात की पाकिस्तान को, उन्होंने कहा दे विल नॉट लिसन टू पाकिस्तान, पाकिस्तान की बात नहीं सुनेंगे क्योंकि वो हमारी बात सुनेंगे। और इसके पैराए में अगर हम बात करें तो JUI हिंदुस्तान के जो सरबराह जिस तरह मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं कश्मीर के तनाजुर में, इससे बड़ी और क्या मिसाल मिलती है। और उसके बाद कुछ दिनों पहले तस्वीरें जो नज़र आई हमें अजीत डोवल के साथ मौलाना फजलुर रहमान की, अगर वो गलत होती तो उसके लिए तरदीद करवाने के लिए कुछ ना कुछ किया जाता। और उन्होंने कहा कि जी दे विल लिसन टू देवबंद, दे विल नॉट लिसन टू पाकिस्तान, दे विल लिसन टू अस, क्योंकि उन्होंने एक बहुत उसके मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाला दिल्ली में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी है जिसमें सिर्फ मुसलमान नहीं पढ़ते, मैं आपको हैरत अंगेज तौर पर यह बताऊँ, उसमें सिख भी हैं, उसमें और रिलीजन के लोग भी हैं, ज़्यादातर हिंदू हैं, और वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि उनको उस नैरेटिव के ऊपर काम करना होता है, चाहे वो अफगानिस्तान में बिठा के करें, चाहे वो दुनिया के किसी हिस्से में बिठा के करें, और उनको प्रोजेक्ट यही किया जाता है कि ये उस स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं या उस मसलक से तारुफ रखने वाले लोग हैं। हम वीक ग्राउंड पे इसलिए रहे कि हमें डिक्टेट किया जाता रहा, डिक्टेट करने वाला अमेरिका था, और अमेरिका के कहने के ऊपर हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जो भारत को हमने अकोमोडेट किया। आप समझते हैं कि माजी में हमारी फॉरेन पॉलिसी जो थी वो बहुत ज्यादा वीक थी। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो आपने सवाल किया है ना, इसका मैं इस तरह जवाब दूंगा कि जब हम अमेरिका के गोद में बैठे हुए थे लेफ्ट से 90s के शुरू में, भारत एक नई लॉबी तैयार कर रहा था वॉशिंगटन के अंदर, लॉबिंग के लिए पैसा लगा रहा था, अपने जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस लिविंग इन यूएस है उनको तकड़ा कर रहा था, हर प्रेजिडेंट के पीछे बहुत बड़ी इंडियन लॉबी थी जो कि काम करती थी, जिस तरह जब भी ट्रंप के साथ मोदी का जो टेक्सास के अंदर, डैलस के अंदर, इवन व्हाइट हाउस के अंदर उनके अपने लोग बैठे हुए हैं भारतीय, आप ये भी देख रहे हैं जो लॉबी है वो तो वहां पे मौजूद है। मैं ये कह रहा था कि जो वो इंडिया वाले लॉबिंग कर रहे थे, पाकिस्तान साथ साथ लॉबिंग कर रहा था, पीपल्स पार्टी के जमाने में हमने मार्क सीगर को रखा अपना लॉबियस्ट रखा, लेकिन किसके लिए रखा, कश्मीर के लिए नहीं रखा, पाकिस्तान के लिए नहीं रखा, जाति हैसियत में प्राइम मिनिस्टर के साथ ताल्लुकात की वजह से उसको बनाया गया। फिर इसी तरह PMLN के गवर्नमेंट के दौरान जो है वो चार्ली विल्सन को कुछ अरसे के लिए रखा गया, लॉबियस्ट बनाया, उसको हाफ मिलियन या मिलियन डॉलर जो भी सलाह देते थे, उस वक्त भी वो इतनी कोई पेशरफ जो है हमारे लिए इतनी बड़ी लॉबिंग नहीं कर सका, लेकिन अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट से हमने वो जो सैंक्शंस लगी हुई थी उनको, दूसरे अल्फाज में इजाजत अब साहब हम ये कह सकते हैं कि अपने इक्तदार को तवालत देने के लिए, दवाम देने के लिए लॉबिस्ट रखे गए, पाकिस्तान के लिए नहीं रखे गए। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई मीन। और दूसरी तरफ इसराइल और भारत है दुनिया में सबसे ज्यादा अपने मुल्क के लिए लॉबिस्ट बनाने में और पैसा खर्च करने में वो नंबर वन नजर आते हैं, यही सबसे बड़ी कमजोरी रही है। मैं एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, देखिए इसराइल की बात आप करते हैं, अमेरिकन मीडिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और मीडिया वॉल स्ट्रीट से लेकर और CNN तक सारा इसराइल और जूश लॉबी के जो लॉबी है सारी वो, इसी तरह इंडिया के पास भी एक बहुत बड़ा, मतलब उनका जो बजट है इस वक्त मुझे पता नहीं है, लेकिन 90s के बीच में 45-50 मिलियन डॉलर पर एनम होता था लॉबिंग के लिए, खर्च करने के लिए, वहां जाके वो हमारे खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और अपने फेवर में बात करते थे वहां पे। तो हमने क्या किया उसको काउंटर करने के लिए, ये चीज सोचने की है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इजाजत साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहे, आपने अपना वक्त दिया। कमर चीमा साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, हम बहुत सारे प्रोग्राम्स में शाह जी के साथ बहुत सारे चैनल्स पे हम पहले प्रोग्राम्स भी करते रहे, इस बात को बड़ा पॉइंट आउट करते रहे कि पाकिस्तान अपने लिए लॉबिंग नहीं कर रहा, अपनी हुकूमतों के लिए लॉबिंग की जा रही है, उसका नुकसान आज हमें नज़र आ रहा है। और जब कश्मीर का एनेक्सेशन एक इलीगल एक्ट, काला कानून बना के एक दफ़ा फिर कब्जा किया, 9 लाख फौज उतार के, 30,000 RSS के गुंडे उतार के, बजरंग दल के गुंडे उतार के, आज इमरान खान को क्योंकि अभी आए हुए बहुत कम टाइम हुआ, लेकिन जो किया हुआ था पीछे हमारी दो हुकूमतों ने, कैसे देख रहे हैं आपके इस वक्त जो कुछ है वो उनका शाखसाना किया धरा, इतनी हिम्मत भारत को तब हुई? मेरा ख्याल है कि मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान ने कोई इतनी लंबी चौड़ी कंसिस्टेंसी नहीं शो की कश्मीर इशू के ऊपर,
जो मोमेंटम हमें डेवलप, ये नहीं कि हम कश्मीरी शुगर छोड़ दिया था, जो मोमेंटम हमने बिल्ड किए रखा यहाँ पे कश्मीर के ऊपर, वो थोड़ा वीक हुआ जनरल मुशर्रफ के ज़माने से, जब हालात ठीक हुए, बायलैटरल टॉक्स होनी शुरू हुई, कंपोजिट डायलॉग शुरू हुआ, लेकिन उसके साथ साथ कश्मीर पे जो स्टांस था वो थोड़ा बैकफुट पर चला गया। कश्मीर उतना इंपॉर्टेंट है जितना पहले था, आज भी पहले भी, लेकिन ये डिपेंड ये करता है कि आप किस तरह उसको लेके चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप इंडियंस को देखें, ये पिछले 15 साल से 18 साल से वो जिस भी बायलैटरल मल्टीलैटरल फोरम में, किसी भी दुनिया के फोरम पे जाते हैं, तो वो नॉन स्टेट एक्टर के इशू को लेके आते हैं जस्ट टू प्रेशराइज पाकिस्तान। देखें जी, हमने SCO के फोरम पे, हमने नॉन स्टेट एक्टर की बात की, हमने UN के फोरम पे बात की, तो वो बेसिकली लिंक कर रहे होते हैं हमें नॉन स्टेट एक्टर के साथ। सो वो हर जगह उसको ले और वो बराह रास्त कश्मीर के साथ रिलेट करके बात करते हैं। सो वो बेसिकली कश्मीर की जो आज़ादी की तहरीक है उसको दहशतगर्दी से लिंक करने की कोशिश करते हैं और उससे पाकिस्तान का केस कमजोर होगा। अब हमने क्या कश्मीर को, क्या बायलैटरल मीटिंग्स में, मल्टीलैटरल फोरम्स पे, क्या हमने उसको डिस्कस किया कि दुनिया को हम बताएं कि जी जैसे बाकी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कश्मीर का इशू भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। पाकिस्तान को पिछले जब वॉर एंड टेरर का जमाना था आसिम भाई, उस जमाने में तो पाकिस्तान की अमेरिका पर बड़ी लिवरेज थी क्योंकि उनको वहां पे बड़ी डिपेंडेंस थी, तो हमने उस जमाने में तो कश्मीर को सबसे पीछे डाल के रखा और अभी भी जगह दोनों मर्तबा मैं एक मर्तबा बात नहीं करूंगा, दोनों मर्तबा, पहला जिहाद की बात जब आई, दूसरा जब आपके ये रीसेंट इसमें जब मान सिचुएशन बना, जमाना हो पीपल्स पार्टी का जमाना हो, नून लीग का जमाना हो, ये पिछले 12-18 साल, अभी इमरान खान साहब का एक साल, वो भी वैसे ही है, वो मुख्तलिफ नहीं था, वो भी वेट कर रहे थे कि कब इंडिया में इलेक्शन हो तो हम इंडिया से बात करें, जो कि हकीकत है, लेकिन वो भूल गए थे कि उनको समझ नहीं आई, हम फोर्सी नहीं कर सके। मैं तो इसको कहता हूँ कैलकुलेशन में गलती। देखिए ये नेशनल ऑपरेटर्स जो होता है, आपके सारा सिस्टम सोच रहा होता है कि यार ये स्टेट आगे किस तरफ जा रही है, ये लीडरशिप किस तरफ मुड़ेगी, ये फरवरी में क्या कर रहे हैं, तो क्या हमें फरवरी में मुंह मोड़ लेना चाहिए था कि अगस्त का वेट करना चाहिए था जो उन्होंने हमसे इलेक्शन से पहले किया था। तो मुझे लगता है कि हमारी अप्रोच इंतहाई डिफेंसिव है इंडिया के ऊपर, ये तो वी हैव बीन कॉट ऑफ गार्ड बेसिकली। लेकिन हमने थोड़ा सा अभी जो चार्ज अप किया है वो थोड़ा लेट कर दिया। मैं इसमें भी कंसिस्टेंसी चाहिए, चार्ज अप में भी कंसिस्टेंसी चाहिए। आज आपने नरेंद्र मोदी को कहा, आपने देखिए उसने, देखें यार वो बहुत स्मार्ट कॉम है, उन्होंने सेंट्रल एशिया जाना था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, हमने उनको जाने की आजादी इजाजत दे दी, वो लंबे रूट से चला गया। लास्ट टाइम उसने इजाजत मांगी कहीं जाना था, अभी फिर उन्होंने सऊदी अरब नहीं कर दी। सो इसका मतलब है हम, वो हमारे साथ खेल रहे होते हैं, वो बेसिकली आपसे बहुत टफ खेल रहे हैं। शाह जी से बात करूंगा थोड़ा सा। शाह जी, जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, मामला कुछ और तरफ जा रहे थे, कुछ मामला ऐसे थे कि यहाँ तक आपको याद है थे बैरिस्टर एतजाज अहसन के हवाले से ये कहा जाता है, क्योंकि फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर थे, बेनज़ीर साहिबा पर इल्ज़ाम लगता है, खालिस्तान मूवमेंट की जो लिस्टें दी गई ये भी आज तक एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है, इसके अंदर से भी हकायक वो कहते नहीं हुआ था, एक हिस्सा कहता है कि जी किया गया था। आप समझते हैं कि कोई अमरीका का दबाव रहा अमरीका का, क्योंकि इजाजुल्लाह साहब को भी मैंने करेक्ट किया कि जी अमरीका का दबाव तो वो अफगान वॉर तक रहा, लेकिन उसके बाद आपने उसको लूज कर दिया प्रेशर को। शाह साहब, इसमें कोई दो राय है नहीं, प्रेशर रहा कि हम उनकी उसी चोरी में बैठे रहे। आपने फॉरेन पॉलिसी का क्वेश्चन किया, फॉरेन पॉलिसी हमारी थी कहाँ मतलब, और कब हमने बनाई थी मतलब, हमारे बस में कब थी मतलब। आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज थी, आप इस मामले को सर फहरिस्त रख के कॉर्डिलियर ड्राइस की बुक पढ़ लें, जब मुशर्रफ को फोन किया गया उसके काम तो समझ रहे थे कि हमें कुछ पॉइंट्स में मिल जाएगा, कुछ चीजें हमें ऑप्शंस में मिल जाएंगी, लेकिन हमें तो जितने पॉइंट्स लिखे थे कि सबके सब एक फोन कॉल पे मिल गए, राम होके गिर गए। जर्नैल जो है वो मैदान में चलो जीतता है या हारता है, ये जिस फोन की बात कर रहे हैं तो मेरे अल्फाज नहीं है, लिखा हुआ ये, तो वो पाकिस्तान के जनरल जो है वो एक टेलीफोन सुन के बिस्तर पर ही उन्होंने सरेंडर हो गए मतलब, यानी कोई एक वाकया हो तो बताएं मतलब, ये तो खिलवाड़ करते रहे हैं मतलब पाकिस्तान के साथ, और आज उसका नतीजा यही है कि आज हम काफ़ी आता, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आया, और अब भी आप देखें अब भी आप उसी पोजीशन पे वापस आ गए। अफगानिस्तान में आपको अमरीका बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट कर चुका है, नाउ देयर इज अ टाइम, लेकिन आप ये देखें टाइमिंग बड़ी मैटर करती है, उससे पहले पहले कि जब ये काम शुरू होना था भारत अपना काम कर चुका है, और अब उसके साथ साथ जो हमारा देखना जी हुकूमत जो है वो कितने माजों पर लड़ेगी मतलब,